सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म योद्धा का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म तो मार्च में रिलीज होगी, लेकिन फैंस के एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए फिल्म से 60 सेकंड का एक टीजर भी जारी किया गया है। इसमें लीड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक्शन अंदाज कुछ हटकर और दमदार नजर आ रहा है। रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स के बाद सिद्धार्थ योद्धा से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले हैं। इस फिल्म की खासियत ये है कि सिद्धार्थ इसमें जबरदस्त एक्शन सीन्स करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। फिल्म के नए रिलीज किए गए पोस्टर में सिद्धार्थ का एक्शन मोड साफ नजर आ रहा है। हाल ही में रिलीज हुए इस 60 सेकंड के टीजर में एक्टर प्लेन के अंदर जबरदस्त एक्शन सीन करते दिखाई दे रहे हैं। इस टीजर की शुरुआत प्लेन हाईजैक के सीन से होती है, जहां पायलट द्वारा 7500 कोड स्क्वाक किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। फिर आगे सिद्धार्थ मल्होत्रा हाथ में गन लिए कमांडो के रोल में दमदार एक्शन करते आपको नजर आ रहे हैं। एयर होस्टेस के किरदार में दिशा पाटनी की झलक देखने को मिली। फिल्म के डायरेक्टर पुष्कर ओझा और सागर अमरे हैं। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है। बता दें कि योद्धा को सबसे पहले 7 जुलाई 2023 में रिलीज किया जाना था, हालांकि कुछ दिक्कतों के चलते फिल्म को टाल दिया गया। फिल्म की दूसरी रिलीज डेट 15 सितंबर थी। हालांकि जवान से क्लैश रोकने के लिए फिल्म को फिर पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये फिल्म रिलीज हो रही है फाइनली 15 मार्च को। देखना काफी दिलचस्प होगा कि कमांडो के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा फैंस के दिलों में जगह बना पाते हैं या नहीं।